मेरा तो आपके जरिए से मशवरा है अपने हमारे खुद साख्ता दुश्मनों को, उन्हें एक मशवरा है कि अकल से काम लो, अपनी अकल बढ़ाओ। वैसे अली के दुश्मनों के करीब अकल तो जा नहीं सकती, तो मैं खामखा का मुतालबा कर रहा हूं। जर्रा बराबर भी अगर इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ गई, मुमकिन है मजलिस से उतरने के बाद, तवज्जो है, मुमकिन है मजलिस से उतरने के बाद कोई मुझे रोक ले और कहे मौलाना उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, तो मैं उसे अभी से जवाब दे देता हूं। हम अहले बैत की मोहब्बत उस वक्त तक नहीं मानते जब तक अहले बैत के दुश्मनों से नफरत है। नहीं है कि आप अली से मोहब्बत करें और अली पे तलवार चलाने वाले के लिए खामोश हो जाएं। मैं दुआ दूंगा बिरादरम अजीजम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली को, बहुत अच्छा लम्हा फिक्रिया उन्होंने छोड़ा है। वो फरमाते हैं कि अगर अली के जमाने में होते तो वहां अली के साथ खड़े होकर तलवार चलाने को तैयार थे, आज बोलने को तैयार नहीं। तमाम मुसलमानों पर वाजिब था जब सबने तय कर लिया कि अली हक पर है, तो तमाम मुसलमानों पर वाजिब है कि अली का साथ दें। अगर उस जमाने में होते तो अली का साथ देते, अली के हक में तलवार चलाते, अली के साथ खड़े होकर अली के मुखालिफों से जंग करते। आज कहते हो खामोश हो जाओ, बताओ कि अली चले गए? मुझे जवाब दिया जाए अजानों में मोहम्मद और रसूलुल्लाह पुकार कर, क्या हम ऐलान नहीं करते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है? अजीजाने गिरामी, वो कोई और होंगे कि जिन्होंने अभी इस मामलात को समझा नहीं है। हम अली उन वलीउल्लाह कहकर किसी भी आने वाले नबी का दरवाजा बंद कर देते हैं। सबसे ज्यादा रोशन अकीदा खत्म नबूवत किसी और का नहीं है। अकीदा खत्म नबूवत का तकाजा यह है कि नबूवत के इकरार के बाद कोई ऐसा इकरार करो जो नबूवत का ना हो। विलायत मौलाए कायनात का इकरार करने वाला मजमा, और सुन्नी भाई हमारी जान है, सुन्नियों से हमारा प्यार है। मैं मुसलसल टंडवाला यार में खमसे से खिताब कर रहा हूं, तो पहले दिन एक जवान आया, उसने कहा जी मैं शिया होना चाहता हूं। दूसरे दिन दो जवान आए, फिर हमने सोचा कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है खामखा क्यों किसी का दिल दुखाए, हम कोई सियासत तो कर नहीं रहे, हम कोई सियासी जलसा तो कर नहीं रहे, हम तो इमाम हुसैन की मजलिस में जूतियां उतार के बैठते हैं। कोई भी मजलिस में जूतियां पहन के नहीं बैठा, हम सब जूतियां बाहर छोड़ कर आए। अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है, अपनी दुनिया छोड़कर आते हैं। जब इमाम बारगाह और मस्जिद की हदों में आ जाते हैं तो हम जूतियां पहनकर नहीं आते, और अली ने जितना दुनिया को जलील किया है इतना किसी और ने सोचा भी नहीं है। और यह भी हमें नजर आया कि जो दुनिया को जलील करता है दुनिया उसी का नाम लेती है, तो अच्छा सौदा है ना। दुनिया से मोहब्बत भी ना हो और दुनिया भी पीछे रहे। मैं इन बच्चों और जवानों से बार बार ये नसीहत कर रहा हूं कि दुनिया को इग्नोर करके देखो, मादियत को नजरअंदाज करो। जी पैसा आ रहा है उसके पीछे भागो नहीं, क्या बात है। कहीं से मालूम हो गया कि ये 10,000 रुपए मिलेंगे जो मेरे ही हैं, मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए, तो उसकी खातिर भागते भी नहीं जाओ, कोशिश करो वो चल के तुम्हारे पास आए। अगर दुनिया के पीछे भागोगे तो ये और भगाएगी अपने पीछे, और अगर इंतजार करोगे कि दुनिया तुम्हारे पास आए तो फिर तुम मर भी जाओगे तो दुनिया तुम्हारा कलमा पढ़ रही होगी, तुम्हारा इजहार कर रही होगी, तुम्हें याद कर रही होगी। अली वालों से बात कर रहा हूं।